आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भारत में खुद को डरा हुआ बताया। उन्होंने दावा किया कि हिंदुस्तान में ऐसा माहौल है कि घर से निकलने में भी डर लगता है। और फारूक अब्दुल्ला ने ये बात पुलवामा के त्राल में लोगों को संबोधित करते हुए कही। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पूरी दुनिया राम की है, लेकिन देश से राम राज्य ही खत्म हो रहा है और नफरत बढ़ती जा रही है। मुसलमान चल नहीं सकता, दाढ़ी देख के उसकी दाढ़ी कट देते हैं, उसको मारते हैं, अगर गाय साथ है तो ये गाय खोर है। ये मैंने हिंदुस्तान नहीं देखा, आज देख रहा। डर लगता है चलने में, देखो छुरा डबो। नफरत और भाईचारे की बात करते करते फारूक अब्दुल्ला बीजेपी पर बुरी तरह भड़के और उन्होंने दावा किया कि जो लोग नफरत फैला रहे हैं, नफरत की इस आग में उनको भी जलना पड़ेगा। इनसे कहिए कि जो दूसरे झंडे निकले हैं, हे हे, हमको वोट दियो, वोट दियो, पहले हमको कत्ल करेंगे फिर इनका भी। पिछले कई दिनों से फारूक अब्दुल्ला सुर्खियों में बने हुए हैं। बीते दिनों उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत की थी, जिस पर जमकर बवाल मचा था। पुलवामा में फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के ऊपर अपना गुस्सा निकाला। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों में आतंकवाद नहीं था, वहां भी अब आतंकवाद की जड़ें मजबूत हो गई हैं। कश्मीर बदल गया, बीजेपी कह रही है कि हाँ बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल बदल गया ना, यहाँ तबाही बढ़ गई। यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे इलाके हैं जिनको हमने मिलिटेंसी से आज़ाद किया था, जिनमें दोबारा आज बंदूक का असर रसूख देखने को मिल रहा है। आकाश आनंद के पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से हटाने पर समाजवादी पार्टी ने अब बहुजन समाज पार्टी पर हमला बोला है, जिस पर मायावती ने भी पलटवार किया। मायावती ने समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताते हुए उन्हें अपने परिवार और यादव समाज के प्रत्याशियों की चिंता करने की नसीहत दे डाली। Z News.